कल्पना सोरेन इस वक्त क्या कह रही हैं झारखंड के मुद्दे पर, सुनते हैं। 50 के लगभग आंकड़े जेएमएम छू चुकी है, लगभग बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जो जनसभाएं और जिस तरह कनेक्शन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी फिलहाल के तौर पे यही कहना चाहूंगी, क्योंकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, तो हम लोग जब इतना इंतजार किए हैं तो बस कुछ घंटों का और इंतजार हो जाए, और मैं समझती हूँ कि अभी कुछ कहना ज़्यादा जल्दबाजी होगी, तो थोड़ा सा वेट कर लें। चलिए, कोई बात नहीं, रुझान है। अब आप तो इतने देखिए, 23 तारीख का इंतज़ार सबने किया है, और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का, 2 से 3 घंटों का इंतजार और करिए। देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है, और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहूँगा। आपका भी जिस तरह से गांडे विधानसभा से आप लगा। कल्पना सोरेन अपनी सीट से पीछे चल रही हैं, उनकी पार्टी शानदार जनादेश हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत सोरेन की आप पत्नी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा, अभी रुकिए, जरा ठहरिए, 2-3 घंटे का और इंतजार कीजिए। फिलहाल नीचे जो आंकड़े आप झारखंड के देख रहे हैं, आप उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल होता हुआ कम से कम बीते 1 घंटों से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के साथ प्रचंड तरीके से जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पीछे, जबकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सुनामी है, और पिछले कई सालों के मुकाबले अगर देखें, आपको बताते चले 2014 में, चूंकि शिवसेना से इतर बीजेपी अकेले चुनावी मैदान में गई थी, 125 सीटें उस समय उसकी ओर से जीती गई थी, लेकिन अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, 149 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी अगर 126 सीटों पर आकर यहां पर टिकती है, तो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। तमाम खास मेहमान लगातार एबीपी न्यूज के स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, एक एक टिप्पणी जल्दी जल्दी उनका मैं ले लेती हूं। संजय जी आ चुके हैं। संजय जी, ये जो जनादेश है महाराष्ट्र का, क्या बता रहा है? निश्चित रूप से यही बता रहा है कि जनता ने बिल्कुल बढ़ चढ़ करके महायुति के लिए वोट दिया है। जो जिस स्कीम की चर्चा हो रही थी, कि जो लाडली बहन स्कीम की चर्चा हो रही थी, उस स्कीम का फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बात की चर्चा तब से हो रही थी कि महिलाओं का टर्नआउट बढ़ा, इसके क्या अर्थ हैं? इसके मायने यही हैं जो चुनावी नतीजे बता रहे हैं। तो ये लाडकी बहना योजना महाराष्ट्र में काम कर गया, तो क्या हेमंत सोरेन के लिए जो महिला मैया वाली योजना थी वो झारखंड में काम किया है? कम से कम इस वक्त के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि इस तरह की स्कीम झारखंड में भी रूलिंग पार्टी के लिए फेवर दिखाई पड़ रहा है। ABP News, आपको रखे आगे।